हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 की साइंस पढ़ेंगे, जिसमें पहला लेसन है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, लेसन फर्स्ट साइंस। ओके, तो सबसे पहले हम ये जाने कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। क्योंकि अगर हम किसी को बोले कि हमने साइंस पढ़ी, साइंस कोई पूछता है आपसे साइंस में क्या पढ़ा, मैं बोलूँ कि आज हमने पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो सबसे पहले लोग पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहला अपना टॉपिक मैटर पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक, पहला मैटर पढ़ेंगे। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैटर, कि व्हाट इज मैटर। तो सबसे मैटर, मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैज मास। मैटर एक प्रकार का सब्सटेंस है जिसके पास मास होता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो स्थान घेरता है, ठीक है। और मैटर बनता किससे है, ये टीनी पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। मैटर किससे बनता है, टीनी पार्टिकल से बनता है। याद रखिएगा, जो मैटर होता है, मैटर जो है एक प्रकार का सब्सटेंस है जिसके पास क्या होता है, मास होता है, और जो स्थान घेरता है, और जो बनता किससे है, टीनी पार्टिकल से बनता है। याद रखिएगा, टीनी पार्टिकल से बनता है, स्थान घेरता है, मास होता है। और अगर मास की बात करें तो मास इसमें मेजर किया जाएगा, केजी में। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल पे। अगर हम बात करें एग्जांपल की कि मास जो मैटर है, मैटर में क्या आता है, कैसे जानेंगे कि मैटर है। नोटबुक आप लोग लेकर बैठे हैं, बैठे हैं, बिल्कुल लेकर बैठे हैं। ये बताइए, क्या नोटबुक स्पेस लेता है, लेता है भाई। तो नोटबुक जो है ये एक प्रकार का क्या है आपका, मैटर है। पेन, आप पेन से लिखते हैं, पेन से लिख भी रहे होंगे। आपका ये जो पेन है, ये क्या है एक प्रकार का, मैटर है। ये भी क्या है एक प्रकार का, मैटर है, याद रखिएगा। और आपका क्या हो गया, एयर, ये भी क्या है एक प्रकार का, मैटर है। ऐसे ही डाटा, प्लैनेट हो गया, और सन हो गया, स्टार हो गया, ये सारे क्या है आपके, मैटर है। याद रखिएगा, ये सारे क्या है आपके, मैटर है। अब हम चलते हैं अपने इसके इसी के पार्ट में, कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, क्या जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें अगर हम पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने, तो जो पार्टिकल्स होता है, इसमें पहला पार्ट होता है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। ये लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। याद रखिएगा, हम पार्टिकल के पहले पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पार्ट है ये, कि हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं। और सेकेंड पार्ट है आपका क्या, कि ये जो होते हैं ना, इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, स्पेस। तो क्या लिख सकते हैं, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे किस पे, थर्ड पार्ट पर, ठीक है। अब हम किस पार्ट पे चलेंगे, थर्ड पार्ट पर। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम चलते हैं इस पार्ट पर, पहले पार्ट पर। आज हम आपको इसका केवल क्या बताएंगे, कि हम कैसे जानेंगे कि मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा पहला टॉपिक आज हमारा है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कैसे हम एग्जांपल के थ्रू जानेंगे, कैसे हम घर पे करें और हमें पता चल जाए कि हाँ इसमें जो है मूव हो रहा है, पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपके घर में गिलास होगी, है गिलास, कांच की गिलास लीजिएगा, कांच की गिलास सबके यहाँ होगी, आसानी से मिल जाएगी। तो बिल्कुल कांच की गिलास लीजिएगा, उसमें पानी ले लीजिए, पानी ले लिया,
उसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब पानी जब देखिएगा हिले ना, ठीक है, जब हिलना बंद हो जाए, पानी बिल्कुल स्टे हो जाए वहाँ पे, तो एक काम करिएगा, आपके पास इंक होगी, है ना, इंक है, आप क्या करिए उस इंक को उस पानी में थोड़ा सा एक बूंद या दो बूंद डालिए, हिलाइएगा मत, छोड़ दीजिए, हिलाइएगा नहीं, छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या वो इंक पूरे पानी में मिल गई। जैसे मैंने, अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी एक गिलास है, ये क्या है, हमारी एक गिलास है और इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ पानी भरा हुआ है और हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे हमने छोड़ दिया, हिलना, पानी जब स्टे हो जाए, बिल्कुल हिलना बंद हो जाए, इसमें मैंने क्या किया कि इसमें कुछ बूंद इंक की डाली। अच्छा, ये बूंद, कुछ बूंद इंक की पड़ी तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि पानी में, मैंने पानी को मूव नहीं कराया, बिल्कुल हिलाया नहीं, फिर भी देख रहे हैं कि ये जो मैंने इंक डाली थी, इंक की बूंदें इस पूरे पानी में क्या हो गई, धीरे धीरे क्या करेंगी, मिल जाएंगे, पूरा पानी उसी इंक के कलर का हो जाएगा। देखा आपने, तो 2 से 3 मिनट तक पूरी तरह क्या होगा, इंक आपकी इसमें पूरी तरह मिल जाएगी। क्यों, देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के पास किस तरह की एनर्जी होती है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसके पास किस तरह की एनर्जी होगी, जो मूविंग पार्टिकल होंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल। और ये याद रखिएगा, जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे, अगर हम इस पानी को गर्म कर दें तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, तेजी से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत तेजी से मूव करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें तो इसमें जो मूवमेंट होगा बहुत तेजी से मूवमेंट होगा, याद रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, लेकिन आप ये अपना घर पे एक बार करके देखिएगा क्या ये है ऐसा, अगर आप घर पे थोड़ा सा करें। ये हुआ आपका लास्ट सेशन, आज हम कंप्लीट कर रहेंगे, क्योंकि कल हम लोग दे आर कंटिन्यूसली मूविंग पढ़ेंगे तो, बट याद रखिएगा पहले आप इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से आप समझ में आ जाए, बताना ना पड़े। देखिए साइंस बहुत ही ईजी है, बस याद रखिएगा, किसी में भी प्रैक्टिकल है आप प्रैक्टिकल जरूर करिए, जो प्रैक्टिकल आप आसानी से घर पे कर सकते हैं उसको आप जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उतने आसानी से किसी कोई समझा नहीं पाएगा आपको, तो आप पहले प्रैक्टिकल करिए। इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल का पार्ट दे दिया कि आप इसको करके देखिए घर पे, फिर आप कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग मीन्स पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव करते हैं, जब हम इसको पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पर अगर आपको साइंस की क्लास आप लोग चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें, तो आप कमेंट सेक्शन में यस करिएगा, जिससे हम कंटिन्यू पढ़ाएं। अगर आपको लगे कि हाँ हमें साइंस की क्लास पढ़नी है मैम से, तो आप बिल्कुल कमेंट में यस करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।